पास 20 आ रहा है, वेरी गुड। तो हमारे पास 20 20 एक और सोल्यूशन आ गया, y इज इक्वल टू 10 के लिए। बताओ हमारे पास चार सोल्यूशन जाएंगे फिर टोटल। ये वाला आपका करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, 96 प्लस 4, यस ये भी ठीक आएगा, 20 20 ये भी ठीक है। y इज इक्वल टू 10 के लिए कैलकुलेट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं, अगर हम y की जगह पर 10 भर, मैम हाँ बताओ क्या किया है। अगर हमने एक्स 10 ले लिया ठीक है, तो y कितना आया, मैम 210 y 210 कैसे आ जाएगा, कैलकुलेशन देखो एक बार। एक बार अगर हमने x को जो 10 लिया, तो 2 × 10 + 3 × y इज इक्वल टू 100, तो यहाँ से 3y किसके बराबर आ जाएगा, 100 - 20 है ना, तो यस मैम 3y इक्वल आ जाएगा 80 के, और यहाँ से हमारे पास y किसके बराबर आ जाएगा, 80/3 के। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 10, 80/3, और y यस इक्वल टू मैम क्या, यही आया पर इसके बाद हमने और काटा मैम इसको काटा अच्छा तो पॉइंट में आया होगा ना, कितना आ रहा था। मैम पॉइंट तो नहीं लिखा मैम हमने अच्छा चलो इसको ना ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने देना, क्योंकि वो आसान रहेगा फिर। अब y इज इक्वल टू 10 के लिए अगर हम करें, तो 2x + 30 हो जाएगा इक्वल टू 100, यहाँ से 2x बराबर आ जाएगा 70 के, x बराबर है 70/2, जो किसके बराबर आ गया, 35 के। तो हमारे पास ये वाला सोल्यूशन बन गया 35, 10, हमारे पास 5 सोल्यूशन आ गए, है ना। यस मैम ठीक है, अब हमने ये तो करना सीख लिया, ग्राफ प्लॉट करना भी हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, यस है मैम ना, वो तो आता है, ग्राफ हम यस कैसे मैम प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं आज, जैसे ये वाला क्वेश्चन भी हमने पिछली क्लास में कर लिया था। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आपको एक समीकरण दिया गया है 2x + 8 = 0। सबसे पहला है कि इसको आपने एक चर वाले ज्यामिति निरूपण करना है इसका। इसमें पहले बताओ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, मैम 4 नहीं मैम -4 वेरी गुड। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास एक्स इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू -4 को आप नंबर लाइन पर दिखा सकते हो, यस मैम है ना, पता है ना, ये अगर 0 है, इधर 1 2, इधर -1 -2 -3 -4, तो ये आ गया क्या, किसका सोल्यूशन, 2x + 8 = 0 का, ये आ गया हमारे पास सोल्यूशन। इस तरह से हमने एक चर वाले को दिखा दिया। ठीक है, अब ठीक है, अब हमें इसी को दो चर वाले समीकरण में दिखाना है, ठीक है, इसका ज्यामिति निरूपण करना है, इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है, कैसे में, दो चर वाले में। तो 2x + 0y + 8 = 0 मैं लिख सकती हूँ, यस मैम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x + 0y = -8, ये हमारे पास समीकरण बन गया। अब इस यस मैम समीकरण के आप हल निकालो, अगर y = -1 है, y = 1 है, y = 2 है, y = -2 है, चलो -3 कर लो, इन तीन चार केसेस में मुझे सॉल्यूशन निकाल के दिखाओ। -4 आ रहा है एक्स किसके लिए -4 आ रहा है, -4 आ रहा है फर्स्ट कौन से वाले सॉल्यूशन में, फर्स्ट -4 वाले में, वेरी गुड। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x +
जीरो कॉमा माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एट, तो 2x बराबर आ जाएगा माइनस एट के, x बराबर आ जाएगा माइनस फोर के। तो पहला वाला सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, माइनस फोर कॉमा माइनस वन। मैम दूसरे में भी यही आ रहा है। दूसरे में भी यही आ रहा है, ठीक है। तो मैम ये तो हर एक में है। मैम हर एक में हमारा क्या ही आएगा, एक्स माइनस फोर ही आएगा। तो यहाँ पर हल क्या हो गया, माइनस फोर कॉमा वन, यहाँ पर हो जाएगा माइनस फोर कॉमा टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस फोर कॉमा माइनस थ्री। ऐसे सॉल्यूशन आ जाएंगे हमारे पास अधिकतर, यस मैम। ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको बनाते हैं ग्राफ पे। रुको, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं ग्राफ। क्या क्या पॉइंट है हमारे पास, माइनस फोर कॉमा माइनस वन, माइनस फोर कॉमा टू, माइनस फोर कॉमा थ्री और माइनस फोर कॉमा माइनस थ्री। मान लो ये पॉइंट्स थे हमारे पास, इनका ग्राफ बनाओ। ऐसी रफ नोटबुक पे बना लो, फिर बताओ कुछ नया लग रहा है उस ग्राफ में। मैम बना रहे हैं। मैम हाँ, बनाओ बनाओ, आराम से बनाओ। मुदित और बाकी सब बच्चे भी करो, इनको ग्राफ पर बनाओ जल्दी से, फिर बताओ कि किस तरह का ग्राफ बन रहा है। जिसका हो जाए वो बैक कैमरा करके दिखाना। आता है ना सबको ग्राफ पर प्लॉट करना? यस मैम। ओके, चलो करो जल्दी से। ऐसे ही रफ नोटबुक पे बना लो इनको, चलो नाम भी दे दो चाहे तो, ए बी सी डी। मुदित आप हो क्लास में? हाँ जी। सागर आप हो क्लास में? यस मैम। ग्राफ बनाना आता है? चलो यस मैम। फिर जल्दी से ये चारों पॉइंट ग्राफ पर बनाओ। ठीक है। मैम बना लिया। बैक कैमरा करके दिखाओ। तो एक सीधी लाइन बन रही है आदित्य, बिल्कुल सीधी सी लाइन बन रही यस मैम। है ना? जैसे ए पॉइंट है माइनस फोर कॉमा माइनस फोर कॉमा माइनस वन, तो एक्स माइनस फोर है और वाई माइनस वन है। यहां पर आया ये वाला पॉइंट माइनस फोर कॉमा माइनस वन, नजर आ रहा है? ज्यादा छोटा तो नहीं लग रहा है आप मैम लोगों को? क्लियर ठीक नजर आ रहा है कह ग्राफ? अच्छा, ग्राफ क्लियर नजर आ रहा है कि नहीं ये बताओ। थोड़ा रहे। मैम थोड़ा जूम कर दो। और जूम कर देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, है ना? अब हमारे पास सेकंड वाला पॉइंट क्या है, माइनस फोर कॉमा टू, तो यहां पर आ जाएगा माइनस फोर कॉमा टू। यस आदित्य ऐसे ही मैम। आया है, सागर आपने किया ड्रॉ, ऐसे ही आया है बी पॉइंट। सी मैम वाला मैम पॉइंट कहाँ माइनस पर आ टू नहीं है, जाएगा, टू है। माइनस फोर? अच्छा सॉरी, हाँ टू, माइनस टू तो दूसरी साइड आएगा। अगर माइनस टू होता तो नीचे की साइड बनता है ना, माइनस फोर कॉमा टू और माइनस फोर कॉमा थ्री यहाँ पर आ जाएगा सी पॉइंट, है ना? यस और मैम। माइनस फोर कॉमा माइनस नीचे की साइड बन जाएगा। मान लो एक और बना ही देते हैं नीचे की साइड को, ऐसे कर लेते हैं अपना ग्राफ। हमें क्या बनाना है, माइनस फोर कॉमा माइनस थ्री देखना है कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस फोर कॉमा माइनस थ्री, यस मैम। ठीक है? तो ये हमारे पास डी पॉइंट आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें इन चारों पॉइंट्स को मिलाना है। ये सारे एक ही समीकरण के हल थे,
तो इसलिए ये एक सीधी रेखा पर आएंगे, है ना? मैम। ठीक है, और इसकी इक्वेशन क्या थी? हमने क्या लिया था, 2x + 0y इज इक्वल टू -8, है ना? ये इसकी इसका ग्राफ है, ये यस जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x इज इक्वल टू -4 लिख सकती हूँ। तो मैम। ये किसका ग्राफ बन गया, x इक्वल टू -4 का, जो किसके पैरेलल नजर आ रहा है आपको, कौन से एक्सिस के पैरेलल है, एक्स मैम माइनस एक्सिस या एक्स वाई, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल है ना? अब अगर मैं बनाना चाहूं ग्राफ, आप खुद ही बता दोगे, बल्कि अब अगर मैंने ये किसी इक्वेशन का, किसी समीकरण का मेरे पास ये ग्राफ बना है, उसके समीकरण क्या होगा? यहाँ पर एक दो कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, एक दो निर्देशांक लिख लेते हैं, जैसे इसका हो जाएगा -2, 1, है ना? यहाँ पर आ यस जाएगा मैम। -2, -3, ठीक है, ये वाला पॉइंट आ जाएगा -2, 3, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स इज इक्वल टू कितना, एक्स की वैल्यू देखो हमेशा क्या है यहाँ पर, हमेशा -2 यस, तो ये किसकी किसका ग्राफ बन गया, एक्स इज इक्वल टू -2 का। वैसे ही अगर मैं ये इस तरह से लाइन बना दूं, एक ग्राफ बना दूं, ये अब ये कौन से समीकरण का इक्वेशन हो सकता है, मैम सॉरी कौन एक्स इज से, इक्वल टू 4। वेरी गुड, ये एक्स इज इक्वल टू 4 का ग्राफ हो सकता है, क्योंकि इस लाइन पर हमेशा एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 4 ही आ रही है ना? तो ये एक्स इज इक्वल टू 4 का ग्राफ आ गया। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जो भी एक्स इज इक्वल टू ए का ग्राफ होगा वो वाई एक्सिस के समांतर होगा? क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ, हमेशा यस समांतर आ मैम। रहा है? तो जो भी एक्स इज इक्वल टू ए का ग्राफ होगा वो हमेशा किसके समांतर होगा, वाई अक्ष के समांतर होगा, वाई एक्सिस के समांतर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, अब इसी तरह हम थोड़ा सा वाई के लिए लेते हैं। चलो वाई के लिए कोई और कलर मैं अगर इस्तेमाल करूं, क्या रब कर दूं, एक्स वाला सारा मिटा दूं? यस मैम। ठीक है, एक्स वाला सारा मिटा देते हैं। अगर मैं कोई इक्वेशन लेती हूँ इसी तरह की जैसे हमने किया था, मान लो मैंने लिया 2y + 8 = 0। अब मैंने इसे अगर दो चर वाले समीकरण में लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 0x + 2y = -8, है ना? तो इस केस में y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, चलो ऐसे ही देख लो, अगर मैं x इज इक्वल टू 1 लेती हूँ तो y कितना आएगा आदित्य, बाकी सब भी बताओ, अगर x इक्वल टू 1 लिया तो y कितना आएगा? हर्ष, हम इसको सॉल्व करें हाँ बताओ, अगर x इक्वल माइनस टू 1 है तो y कितना है, बोलो, सही बोला आपने, -4, हाँ या माइनस नहीं, फोर आ रहा है। -4 आ रहा है, तो अगर x हमने 1 लिया तो y -4 आया, अगर x इक्वल टू -1 लिया तो, तो अभी -4 ही आ रहे। -4 ही आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये हमारा क्योंकि समीकरण क्या था, अगर इस समीकरण को देखा जाए ये क्या है एक्चुअल में, y इक्वल टू -4 है ना, इसको सॉल्व करके y इक्वल टू -4 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा है ना? तो अब इसका अगर हमें ग्राफ बनाना हो, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, हम वो देखते हैं, जैसे हमारा मैम ये कौन, -4 पे। हाँ लेकिन कहाँ पर होगा वो -4, यहाँ पर होगा, जैसे अगर हमें 1, -4 लगाना है वो यहाँ पर आएगा, -1, -4 यहाँ पर आएगा, और इन लाइंस को अगर हम मिला दें तो हमारी लाइन कुछ ऐसे बन जाएगी। अब ये कौन से एक्स के पैरेलल होगी, मैम एक्स अक्ष के। यस एक्स अक्ष के पैरेलल होगी, ये हमारा समीकरण y इक्वल टू 4 था, है ना?
ये कौन सी, इस लाइन का जो मैंने अभी लाइन बनाई है, इसका समीकरण क्या होगा? क्या मैम 3, 3? एक्स इक्वल टू 3 मैम नो, वाई एंड इक्वल टू 3। यस, वाई इज इक्वल टू 3 का ग्राफ बन जाएगा ये। तो क्या हम कह सकते हैं अगर वाई इज इक्वल टू ए है तो इसका ग्राफ किसके एक्स एक्सिस के समांतर होगा, उसका ग्राफ एक्स एक्सिस के समांतर होगा, ऐसा लिख सकते हैं। यस मैम। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू का ग्राफ, फिर ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एक्स एक्सिस के समांतर होता है, वाई अक्ष के समांतर होता है, इस तरह से फिर आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। तो कर पाओगे ये वाले क्वेश्चन? यस मैम। अच्छा चलो मुझे बताओ, एक और क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, ये कहाँ पर बनेगा? केंद्र केंद्र बिंदु पर तो बनेगा बिंदु पर, नहीं, ये तो 0,0 होता है। एक मिनट, किसी की तरफ से ना आवाज डबल आ रही है और मैं यहां से म्यूट नहीं कर पा रही हूँ। हर्ष आपकी साइड से मेरी आवाज इको हो रही है। हाँ, एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब हमारे पास कुछ इस तरह के पॉइंट्स होंगे, 0, एक्स 0 रहेगा हमेशा, 0,1, 0,-1, 0,2, 0,4। तो ये कहाँ पर बनेगा ग्राफ? मैम ये जीरो जैसे कॉमा पहले पे 1 बिंदु पे बनेगा मैम, दूसरा -1 बिंदु पे बनेगा एक मिनट, 0,1 कहाँ पर आएगा? मैम, ये 1 आएगा, पर। ये यस मैम, 0,-1 यहाँ पर आएगा, यस मैम, 0,2 यहाँ पर आएगा, 0,4 यहाँ पर आएगा। इन सब पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं, कहाँ पर बन रही है ग्राफ, कहाँ बन रहा है? मैम वाई अक्ष पर। वाई एग्जैक्टली, तो एक्स इज इक्वल टू 0 का ग्राफ कहाँ बनेगा? अक्ष वाई अक्ष पर। लेकिन अगर वाई इक्वल टू 0 है उसका ग्राफ कहाँ बनेगा? अक्ष पर। यस, ये वाई अक्ष पर बनेगा और ये एक्स अक्ष पर बनेगा। ठीक है, क्लियर यस मैम, यस है? वेरी मैम, गुड। चलो एक मिनट रुको, तो मेरी स्क्रीन रुक गई, मैं दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ फिर बताती हूँ आपको। टिंकू के नाम से कौन है बेटा? म्यूट पे रखो अपने आप को। अरे देख एक और दिखाऊं। तो हमने क्या क्या पढ़ा? AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0 के रूप में समीकरण को, जहां पर A, B और C क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती है। वास्तविक संख्याएं सबको पता है ना, यस मैम, जितनी भी संख्या, जितने भी आप चीजें पढ़ते हो वो सारी क्या हो जाएंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। जितने भी नंबर हैं, 0, 1, 2, 3, -1, -2, 1/2, 3/2, ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? वास्तविक संख्याएं। यहाँ पर ए और बी दोनों शून्य नहीं है, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे, कर लोगे? ए बी और सी का मान ज्ञात करना यस होता है यहाँ पर उसमें मैम, एक चीज इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, जो भी समीकरण दिया गया है पहले उसको इस फॉर्म में लेकर आओ, राइट हैंड साइड को 0 बनाओ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लेकर आओ, जो पहले वाले चर का गुणांक है उसको ए का मान दो, इस तरह से करके ए बी और सी का मान आप निकालोगे। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ये बात भी सबको पता है, हम जितने चाहे यस उतने मैम, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, है ना? हाँ, और फिर तीसरा पॉइंट ये है कि दो चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। अभी तक आपने जितने भी ग्राफ बनाए वो सीधे सीधी लाइन के थे ना, बिल्कुल? यस मैम,
ठीक है, अगर आप किसी एक इक्वेशन के, किसी एक रैखिक समीकरण के, दो चर वाले रैखिक समीकरण के, आप क्या कर रहे हो, आप अगर हल निकाल रहे हो, आपने चार हल निकाले, ठीक है, उन चार हलों को आपने कहाँ बनाया, ग्राफ पे बनाया, जब उन चारों पॉइंट्स को आप जब भी मिलाओगे वो हमेशा एक सीधी रेखा पर आएंगे, अगर वो एक सीधी लाइन पर नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपने सोल्यूशन गलत निकाले, ठीक है। यस अब मैम। x इज इक्वल टू 0, y अक्ष का समीकरण है, ये हमने अभी पढ़ लिया, और y इज इक्वल टू 0 x अक्ष का समीकरण है ना। x इज इक्वल टू a का आलेख y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है, ये भी हमने पढ़ा। x इज इक्वल टू a का ग्राफ y एक्सिस के समांतर, y इज इक्वल टू a का ग्राफ x एक्सिस के समांतर, और एक सीधी लाइन होता है। y इज इक्वल टू mx के प्रकार का समीकरण मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक सरल रेखा को निरूपित करता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ है, ठीक है, y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ है, इसमें मुझे इसका हल बताओ, कोई भी हल बता दो। अगर चलो ऐसे ही मान लो, अगर आप x इक्वल टू 0 रखते हो तो y कितना आएगा, y कितना आएगा, x अगर 0 है तो आदित्य मैम हाँ वाई आ सामने बताओ, जाएगा, वाई मैम वाई 0 y आएगा। y भी 0 आएगा, है ना। तो अगर 0, तो इसका मतलब जो जो भी इसका ग्राफ बनेगा वो 0, 0 से होकर ही जाएगा, ठीक है। तो जो भी y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू -3x हो, उसमें आप अगर जब अगर y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 0 आएगी, क्या तो वो हमेशा कहाँ से होकर जाए, क्या हुआ, तो वो हमेशा ओरिजिन से, मूल बिंदु से होकर जाएगा। तो इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, नोट करना चाहो नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में कोई भी, देखो इतना छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान है, आपको बस दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ना है, उनके सॉल्यूशन निकालने आप लोगों को आ गए, बस उसको कैलकुलेशन को अच्छे से करना है, और उसके बाद आपने उसका ग्राफ बनाना है। तो कर लोगे ये क्वेश्चन, ये वाला चैप्टर कर लोगे अच्छे से, ठीक मैम है, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए वो पूछना है अगली क्लास में, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हीरॉन्स फॉर्मूला स्टार्ट करने वाले हैं। हीरॉन्स फॉर्मूला कहाँ पर यूज होता है, जो हीरॉन्स फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में, ठीक है, कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कुछ पहले भी समझ चुके हैं, उससे पहले मुझे बताओ, एक त्रिभुज है आपके पास, ये ए बी सी इसकी भुजाएं हैं, ए मीटर मान लो, ए मीटर, सी मीटर और बी मीटर, ये इसकी भुजाएं हैं, ये कौन सा त्रिभुज हुआ, पहली बात तो ये विषमबाहु त्रिभुज हुआ, है ना। इसका परिमाप मैम क्या होगा, इसका परिमाप बताओ क्या होगा, ए प्लस अरे ए प्लस बी प्लस सी मीटर मीटर, सी प्लस है ना। बी, ए प्लस बी अच्छा, प्लस बी अगर प्लस इसकी, सी। हाँ अगर इसकी ऊंचाई जो है वो h है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार यस, आधार इंटू गुना ऊंचाई, ऊंचाई। सबको याद है ये, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो मतलब अभी तक हमने ये पढ़ा था कि जब तक हमें एक त्रिभुज की ऊंचाई और आधार ना पता हो तो हम उसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, है ना। पर अब हीरोन्स फॉर्मूला में हम क्या सीखेंगे, अगर हमें किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है तो भी हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके, हीरोन्स का सूत्र यूज करके, ठीक है। अभी पहले आप लोग कुछ क्वेश्चन करके दिखाएंगे, चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ, सब पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे, सबको ये तो पता ही है कि परिमाप क्या होता है, अब आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलो पोल सेक्शन में सब बच्चे आंसर करेंगे, मैम हो गया, मैम कर दिया, वेरी गया। गुड, यस शुक्रिया, मैम। रुको। क्वेश्चन नहीं पढ़ा लगता है सही से। अगर त्रिभुज की भुजाएं ए बी तथा सी हैं तो अर्ध परिमाप क्या होगा, अर्ध का मतलब आधा, मतलब परिमाप का आधा क्या होगा, क्वेश्चन ये है, किया है
आदित्य ने डी किया है, और किसने डी किया है, और किसने ऑप्शन डी किया है? मैम सागर मैम हमने क्या भी तीन, यहाँ पे तो मुझे दो ही बच्चों के आंसर डी नजर आ रहे हैं, आप लोग तीन लोग कह रहे हो कि आपने डी आंसर मैम बी आएगा, मैम बी आएगा, बी कैसे आएगा बताओ, बी आएगा नो मैम बी नहीं आएगा। चलो एक मिनट रुको, एक मिनट डिसाइड करते हैं अभी। मुदित आप बताओ, विनय 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 आपका नाम विनय है, विनय कुमार के नाम से जो है, यस मैम। चलो विनय मुझे ये बताओ परिमाप क्या होता है, किसी भी चीज का परिमाप क्या होता है? मुदित आपको पता है परिमाप क्या होता है? चलो विनय आप अभी क्लास में ही थे ना, बताओ त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, यहाँ से देखो। यस मैम। विनय आप भी देखो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। अब मैंने आपको बोला बी प्लस सी, यस मैंने आपको बोला। अब यहाँ पे अर्ध परिमाप पूछा गया है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? मैम हमारा नेटवर्क कट गया था एकदम। अच्छा अब बताओ, अभी भी आप अपना आंसर चेंज कर सकते हो, अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? सी। बदतमीज बालको चुप हो जाओ आप, मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे नहीं बोला। एक मिनट चलो मैं एक एक करके पूछती हूँ। चलो विनय आप बताओ कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, बोलो अब, मैं बोल रही हूँ आपको बोलने के लिए। बी 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 कैसे होगा? अभी मैं अभी मैंने अभी अभी आपने क्या बताया, परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, अर्ध परिमाप परिमाप का आधा। मैम बी मैम दिमाग से निकल गया था, ये तो परिमाप है, इसका आधा क्या होगा? मैम बी नहीं। चलो अब आपके चांसेस खत्म बोलने के। मुदित आप अनम्यूट करो अपने आप को। यस मैम। हाँ मुदित आप बताओ कौन सा ऑप्शन करेगा? मैम डी आएगा। क्यों आएगा डी? मैम क्योंकि पूरा परिमाप तो ए प्लस बी प्लस सी है, तो उसका हाफ हो गया। यस वेरी गुड, क्योंकि हाँ क्योंकि पूरा परिमाप तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी है, परिमाप का आधा चाहिए हमें, परिमाप नहीं चाहिए हमें, चाहिए अर्ध परिमाप, परिमाप का। मैम ये बी आना चाहिए, डी क्यों लगा रहा है? डी ही है ऑप्शन। विनय आप बात को ध्यान से सुन ही नहीं रहे हो, जब इतनी देर से परिमाप की बात हो रही है और अर्ध परिमाप की बात हो रही है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अर्ध परिमाप परिमाप का आधा। समझ में आया सबको? ओके मैम ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे। यस मैम। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सब बच्चे चुपचाप पोल में आंसर करेंगे, उसके बाद देखेंगे ये क्वेश्चन कितने बच्चे ठीक करते हैं। एक त्रिभुज का आधार दिया गया है और क्षेत्रफल दिया गया है, आपको ऊंचाई निकालनी है। अब हमने फॉर्मूलाज इसीलिए पहले रिवाइज कर लिए थे सारे। दो बच्चों ने आंसर कर दिया है, वेरी गुड, सब कैलकुलेट करेंगे। किसी को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है वो बैक कैमरा करके दिखा दो। मैम हमने कॉपी पे भी कर लिया। वेरी गुड, अभी नहीं दिखाना लेकिन तुम बैक कैमरा करके, तुम थोड़ी देर रुको। हाँ जी सागर, ये आपने आएगा या डी नम सी सी। चलो विनय आपसे ही पूछते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी विनय। मैं बताऊं क्या होता है? 2πr। मैं बताऊं? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बताओ विनय। विनय आप क्लास में ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया गया था। चलो मुदित आप बताओ। मैम 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई।
वेरी गुड, एक बटा दो इंटू आधार इंटू ऊंचाई। विनय समझ में आया क्या फॉर्मूला होता है? विनय समझ में आया, बताओ हाँ कि नहीं, ये फॉर्मूला होता है। हाँ जी, और कौन है क्लास में? सागर आप हो क्लास में? चलो आदित्य अनम्यूट करो, बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? मैम त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह 30 भर देंगे, 1/2। आधार हमें 10 दिया गया है, ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, है ना? ऐसे किया आदित्य? चलो मुदित आप अनम्यूट करो अब अपने आप को। कैसे सॉल्व किया मुझे बताते जाओ, मैं वो स्टेप्स करती जाऊंगी। बताओ कैसे सॉल्व किया? मैम हम बताएं, एक मिनट आदित्य आप रुको, मुदित बताएगा। मैम इसका 1/2 आंसर है। 1/2 मैम 2/5। वेरी गुड, तो इस स्टेप में मैं 30 = 5h लिख देती हूँ, है ना? यस मैम। हाँ अब आंसर कितना आएगा? अगला स्टेप क्या होगा इससे? चलो आदित्य आप बताओ अगला स्टेप क्या होगा? 5 multiply में ना, इसलिए h के साथ, तो मैम 30 divide में आ जाएगा, 30 के डिवाइड में कट जाएगा। 30। तो हमारे पास ऊंचाई कितनी आ गई? 6 centimeter आ गई, है ना? Yes, ma'am. सागर आपने किया ये क्वेश्चन, विनय समझ में आया कैसे होगा क्वेश्चन? यस मैम। हर्ष आपको? हर्ष के नाम से हर्ष ही है ना? यस मैम। ठीक है चलो, अभी हम समझते हैं हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है। हीरोन सूत्र, ठीक है, हीरोन का सूत्र बोलेंगे इसको। हाँ ठीक है, अब ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यूज होता है, जहां पर हमें किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो। ए बी सी मान लो किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, ठीक है, तो अब सबसे पहला काम क्या होगा हमारा? अर्ध परिमाप निकालना। सबसे पहला काम होगा हमारा अर्ध परिमाप निकालना, जिसको हम किससे दर्शाते हैं? हम एस से दर्शाते हैं, सेमी पेरीमीटर। तो अर्ध परिमाप तो अब तक सभी को पता चल गया होगा, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। यस मैम। सबको पता चल गया, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? हम अर्ध परिमाप निकालेंगे, जो तीनों भुजाओं को जोड़ के डिवाइडेड बाय टू हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हम हीरोन्स का सूत्र लगाएंगे, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या है? ये है अंडर रूट, अंडर रूट लगेगा एस, यानी अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर जो यहाँ से कैलकुलेट करके आया, गुणा एस माइनस पहले। याद है सबको? माइनस बी ब्रैकेट में माइनस सी। वेरी गुड, तो ये क्या आ जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। सबको सब नोट कर लो, जिसको नहीं पता वो नोट कर लो। यस मैम। कर लिया नोट? तो फिर हम क्वेश्चन करेंगे, सभी नोट करो, क्वेश्चन करें। यस मैम। सबने नोट कर लिया? फिर कोई बाद में ना बोले कि मैम नोट नहीं किया। हम नोट क्या हुआ है? ये आ गया आपके पास क्वेश्चन चैट बॉक्स। अच्छा चैट बॉक्स बंद था, सॉरी। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी आपको भुजाएं दी गई हैं। अब मैं हिंट भी दे रही हूँ कि पहले अर्ध परिमाप निकालो, उसके बाद एरिया निकालो, जल्दी से। इस क्वेश्चन को करने के लिए 5 मिनट दे रही हूँ, कैलकुलेशन क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा होगी। जहां पर भी कोई अटके तो बता देना।
अर्ध परिमाप निकाल लिया सबने। सबसे पहले सब अर्ध परिमाप निकालेंगे, एस निकालेंगे। अच्छा उससे भी पहला काम क्या करो, आप ना यहाँ पर ए 40 सेंटीमीटर लिख लो जो तीनों भुजाएं हैं, बी 24 सेंटीमीटर लिख लो और सी 32 सेंटीमीटर लिख लो, ताकि आपको फॉर्मूला में भरने में आसानी हो। अर्ध परिमाप निकालो फिर। अर्ध परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। देखो आधा से ज्यादा हिंट मैं दे रही हूँ, तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है वो पूछ सकता है, बैक कैमरा करके दिखा सकता है। देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया। सॉल्व कर रहे हो आप लोग? विनय आप सॉल्व कर रहे हो? वेरी गुड, एक बच्चे ने कैलकुलेट भी कर लिया। किसने किया अभी पोल में आंसर? चलो कोई ऐसा है जिसने अर्ध परिमाप निकाल लिया है? आदित्य, मुदित, प्रवीण, किसी ने भी कैलकुलेट नहीं अर्ध किया अभी परिमाप तक? तो निकाल लिया, हाँ बताओ अर्ध परिमाप कितना आया? मैंने कर लिया अर्ध परिमाप 48। अर्ध परिमाप आपका 48 आया, ठीक है। अब क्षेत्रफल निकालो, एक भी लेते हैं ठीक है कि नहीं, बताओ। और किसी का 48 आया? मैम हमारी क्लास अभी वो कट गई थी मैम, इसलिए अभी हम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, करो। बिल्कुल ठीक निकाला है मुदिता आपने, अर्ध परिमाप आ गया है, एस की वैल्यू आ गई है, अब एरिया निकालो। थोड़ा सा टाइम लगेगा शायद उसे करने में, बट करो आराम से। जिस स्टेप में प्रॉब्लम आए, जहां पर रुक जाओ, तो वो बैक कैमरा करके पूछ लेना। बस थोड़ा ना ध्यान देना कि आपको किस तरह से, अब स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के बाहर अब आपको पेयर्स बनाने होंगे, वहां पर दो दो के जोड़े बनाने होंगे। कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब कौन सा नंबर ऐसा है, जैसे 4 है, 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो 4 को बाहर निकाल लो। इस तरह से अगर आंसर आएगा, अगर मान लो 40 मल्टीप्लाइड बाय 40 आ रहा है, तो उसको स्क्वायर रूट के बाहर निकाल लो। इस तरह से आपको कैसे करना है वो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा। बेटा आप इतनी लेट क्यों ज्वाइन किए? तरुण के नाम से कौन आया अभी क्लास में?
जो भी एरिया कैलकुलेट कर लेगा वो बताना। तीन बच्चों ने जिन्होंने आंसर कर दिया है पोल में, उन्होंने ऐसे ही तुक्का मारा है। मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में? आदित्य आपको, हर्ष आपको, कर रहे हो? यस मैम। ठीक है, किसी भी स्टेप पर आकर रुक जाओ तो एक बार बैक कैमरा करके दिखा लेना इसके आगे कैसे होगा। मैंने सभी की 48 में से 40, 24, 32 माइनस तो कर दिया मैम। हाँ जो 48 आ रहा है उनका सभी का वो स्क्वायर रूट बनाना है ना मैम। हाँ जैसे 48 आया होगा मुदित, है ना? 48 को आप 2 × 24 लिख सकते हो। फिर अगर 24 24 का जोड़ा बन रहा है, मैं बता रही हूँ कि इस तरह से आप कुछ कुछ नंबर्स को तोड़ भी सकते हो जैसे वो उनके जोड़े बन जाएं। मैम वो तो पता है। हाँ कर लोगे ना? फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है कोई। हाँ सिर्फ मतलब दो ही बच्चे क्लास में कर रहे हैं ट्राई, आदित्य और मुदित। हर्ष सागर आप दोनों, विनय चलो मैं यहाँ ना इसको ऐसे लिख रही हूँ। हमारे पास सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप कितना आया? 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब बताते जाना इनको माइनस कर करके क्या आया। चलो मुदित आप बताओ पहली वाली लाइन में क्या आया। फोर्टी एट माइनस 40 तो 8 हो गया। 48 माइनस बताओ, आप बताओ सागर, 48 में से 24 गए कितने बचे? क्या 48 माइनस 24 कितना आएगा? 24 24 आया। ओके 48 में से 32 गए कितना बचा? सिक्स 16। कितना? 16। ठीक है 16। सिक्स। ओके तो यहाँ से क्या मैं डायरेक्ट 16 को पहले ही बाहर निकाल दूँ, फोर यस मैम। लिख दूँ ना, बात ही खत्म। 48 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 24 है ना। 8 को क्या लिख सकते हैं हम? चार 4 × 2। गुना वेरी गुड वेरी गुड मुदित। और 24 को ऐसे ही रहने देते हैं। अब बताओ किस किस को बाहर निकालूं। चलो मुदित आप बताओ। टू टू को ओके जाएगा। 2 का पेयर हमने बाहर निकाल लिया, और
चार रह गया अब इस चार को भी बाहर निकालेंगे क्या लिखा जाएगा वर्गमूल फोर जो किसके बराबर आ जाएगा टू के अब इन तीनों को वैसे आपको कुछ भी नहीं करना अब तो आपको इन्हें तीनों को चारों को मल्टीप्लाई करना है बताओ कितना आएगा आराम से मल्टीप्लिकेशन करो मैम 384 मैम अच्छा हाँ बताओ मुझे 384 सेंटीमीटर मैम 384 सेंटीमीटर ठीक है तो मुदित और आदित्य आदित्य ने बोला कि 384 आया सागर आप क्या बोलते हो कितना आना चाहिए थ्री हंड्रेड एटी फोर ही आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन सी करेक्ट है वेरी गुड वेरी गुड तो इस तरीके से और भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं अगली क्लास में और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ये वाला क्वेश्चन तो खुद से ही कर लिया था आदित्य और मुदित आप दोनों ने है ना यस मैम वेरी गुड अच्छा अभी अगर आप लोगों को याद हो हमने पढ़ा था ना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो किस किस को याद है चलो नहीं याद तो भी कोई बात नहीं याद तो भी कोई बात तीनों भुजा समान हो हाँ तीनों भुजाएं बराबर है तो इसका मतलब आपको मुझे बताओ अगर कोई त्रिभुज ऐसा है जिसकी तीन भुजाएं ए ए और ए है परिमाप क्या हो जाएगा ए की सर थ्री है ठीक है और उसका अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा बता मैं ठीक है अब इसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है हर्ष आपकी साइड से मेरी आवाज इको हो रही है आप ऐसा करो रुको मैंने चैट बॉक्स खोला नहीं हुआ है क्या आप चैट बॉक्स में लिखते रहो चलो अब हमें फॉर्मूला पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एस इंटू एस माइनस ए इंटू अब यहाँ पे एस माइनस बी की जगह अगर मैं ए लू कोई फर्क पड़ेगा नो मैम क्योंकि ए बी सी तीनों क्या है ए है यस मैम और यहाँ पर एस की जगह क्या आ जाएगा थ्री ए अपॉन टू थ्री ए अपॉन टू माइनस ए थ्री ए अपॉन टू माइनस ए इंटू थ्री ए अपॉन टू माइनस ए ऐसा आ जाएगा यस मैम ठीक है अब यहां से हम एक काम कर सकते हैं इन दो को डायरेक्ट अंडर रूट के बाहर निकाल सकते हैं या पहले ही से सॉल्व कर लेते हैं पहले से एक काम करते हैं सॉल्व भी कर लेते हैं जो थ्री ए बटा दो है अब यहाँ से जरा इसको सॉल्व करते हैं तो ये नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम दो आ जाएगा और ये तीन ए माइनस दो है या तो आप इसको ऐसे हाँ या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो तीन ए बटा दो है माइनस ए बटा एक है पहले तो दो और एक को आपस में गुणा कर दो तो दो आएगा तीन ए को एक से गुणा करो ए को दो से गुणा करो तो माइनस दो ए इन दोनों को हल करके ए बटा दो आ जाएगा ये भी ए बटा दो ये भी ए बटा दो और ये भी ए बटा दो ऐसा आ जाएगा यस मैम अब एक ए बटा दो के जोड़े को मैं बाहर निकाल लेती हूँ निकाल सकती हूँ ना यस मैम हमारे पास बस ये बचा अब इसको सॉल्व करके क्या आएगा तीन ए स्क्वायर बटा चार ये आएगा मल्टीप्लाई किया मैंने कुछ भी नहीं किया तीन ए को ए से मल्टीप्लाई किया तीन ए का स्क्वायर दो को दो से मल्टीप्लाई किया तो चार अब इस चार को मैं अगर वर्गमूल के बाहर निकालूं कितना आएगा वन अपॉन टू क्योंकि बटा में है ना इसलिए वन अपॉन टू लिखेंगे और अंडर रूट तीन ए स्क्वायर का ए भी बाहर आ जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर है यहाँ क्या बचा है हमारे पास बस रूट थ्री को जरा आपस में मल्टीप्लाई कर दो ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर हो गया दो को दो से मल्टीप्लाई किया चार हो गया और अंडर याद आया फॉर्मूला ऐसा ही था यस मैम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने
पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके पहले भी निकाला था जब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ रहे थे, और आप उसे हीरोन्स फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, ठीक है? क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपकी बुक में शायद समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के भी होंगे, तो आप इस तरह से डायरेक्ट भुजा लिखो और उसका एरिया निकाल लो, ठीक है? तो क्वेश्चन अब इस वाले चैप्टर की भी प्रैक्टिस करनी है,